सिद्धार्थगढ़ क्षेत्र के देवकली गांव में 2011 से बने एएनएम सेंटर में अभी तक कोई भी महिला डॉक्टर व नर्स तैनात नहीं की गई। गौरतलब है कि इस एएनएम सेंटर को बने लगभग 9 साल हो गए हैं, पर यहां अभी तक सुविधाओं का टोटा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की सारी पोल खुलती नजर आ रही है। अगर एएनएम सेंटर की साफ सफाई की बात की जाए तो अस्पताल के चारों ओर एक जंगल सा खड़ा हुआ है। ऐसा लगता ही नहीं कि ये एएनएम सेंटर है। इस भवन का निर्माण 2011 में हुआ था। 7-8-9 साल होने के बावजूद भी यहाँ पर ना कोई एनम उपलब्ध कराए गए हैं और ना कोई ऐसी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर जो हमारे गांव के लिए उपयुक्त हों, और यहाँ ना कोई ऐसा सिस्टम ही है यहाँ पर, और यहाँ इस जगह में घास वास सारे उग चुके हैं। यहाँ पर परेशानी हो जाए तो यहाँ पर लोगों को परेशान होना पड़ता है, 10 किलोमीटर आगे जाना चलना पड़ता है। नाना चलती है तो दोबारा जब शाम को लौट करके आती है तो साइकिल नहीं रहती है, पहिया रहती है। देखिए ये अस्पताल का जो निर्माण हुआ था 2011 में हुआ था, और डॉक्टर की हम बात करें आज तक ना तो कोई डॉक्टर ना कोई नर्स यहाँ तक पहुँची है। और अगर किसी प्रकार से किसी को अगर इमरजेंसी हो जाती है कोई महिला या व्यक्ति को, तो हमें जो है या तो नदी पार करके जाना पड़ता है या फिर कम से कम 10-20 किलोमीटर में घूम करके नानकमत्ता या खटीमा ले जाना पड़ता है। इस प्रकार की समस्याएँ हैं स्वास्थ्य को लेकर के, और ये निर्माण होने के बावजूद भी यहाँ पर ना तो कोई डॉक्टर ना कोई नर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। और देखिएगा इस हालत इस अस्पताल की, ना तो इसमें कुछ लिखा हुआ है कि सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है या क्या है। अंदर भी घास जमी हुई है, तालाबंदी हो रखी है, किसी प्रकार का कोई देखभाल नहीं। यूपी के बुलंदशहर जिला अस्पताल में छापा मार कर स्वास्थ्य सेवाओं का हाल जानने पहुंचे एरिया प्रशासन और डॉक्टरों के बीच जमकर नोकझोंक हुई, और चिकित्सकों ने अस्पताल बंद करने की धमकी तक दे डाली। डॉक्टरों का दावा है कि 8 बजे से रोगियों का परीक्षण करें या पहले हाजिरी लगाएं, जबकि एडीएम प्रशासन ने छापे के दौरान अनुपस्थित पाए गए 18 चिकित्सकों के विरुद्ध जिलाधिकारी को कार्रवाई के लिए अपनी रिपोर्ट भेजने का दावा किया है। सर, आज जिला अस्पताल में आपके द्वारा औचक छापामारी की कार्रवाई की गई थी, किस तरह की कार्रवाई थी और क्या कमियां मिली हैं? देखिए, जिलाधिकारी महोदय को बार बार जिला स्तर की शिकायतें आम जनता द्वारा और प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रही थी। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में आज मैं और 2 डिप्टी कलेक्टर साथ गए वहाँ पर। 8:10 से लेकर के 8:40-45 तक ओपीडी और वार्ड्स और अलग अलग जो नेत्र डिपार्टमेंट बना है, टीवी डिपार्टमेंट अलग अलग बना है, होम्योपैथ का, ये सारे डिपार्टमेंट 8:10 से 8:40 तक चेक किए गए, और उसमें काफ़ी कुछ डॉक्टरों सहित काफ़ी कुछ स्टाफ एब्सेंट रहे। साफ सफाई की स्थिति अभी अच्छी नहीं पाई गई। मरीजों द्वारा जो मेडिकल वार्ड में मेरे द्वारा स्वयं डॉक्टर साहब एडीएम साहब ने आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया था, इसमें क्या कुछ सामने बताएं और आपकी तरफ से क्या पक्ष रखा गया? डॉक्टर 8 बजे एडीएम साहब उपस्थित हुए, उन्होंने डॉक्टरों की चेक करी तो हमारे कुछ डॉक्टर उपलब्ध थे, कुछ नहीं थे। कुछ राव मतलब कहने का, अब वैसे मरीज हमारे यहाँ पास 4,000 रहते हैं, उनको ओपीडी भी करते हैं, हम राउंड भी करते हैं, शाम के टाइम भी जाते हैं, मरीज शाम को भी देखते हैं। उसमें हमारे पास इतने बार के मरीज आ रहे हैं, हमारी कहीं कोई मरीज की शिकायत? सर, बताया जा रहा है डॉक्टरों के द्वारा कोई अभद्रता की गई है डॉक्टर टीम के द्वारा? नहीं, डॉक्टर ने तो यही अप्रोच करा कि 8 बजे अटेंडेंस लगाएं या मरीज देखें। कुशीनगर में ग्राम जंगल चौराया में पट्टे की जमीन पर कब्जे को लेकर समाधान दिवस में उग्र महिलाओं ने पडरौना कोतवाली गेट पर बैठ एसडीएम की गाड़ी को रोकने का प्रयास किया, जहां पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं इस दौरान पुलिस और महिलाओं के बीच काफी नोकझोंक भी हुई। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी एक वानगी करणपुर में देखने को मिली, जहां आज सुबह करणपुर में अपने स्कूल जाते समय बीजेपी के मंडल महामंत्री व जनता इंटर कॉलेज में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी राकेश शर्मा पर रास्ते में कुछ अज्ञात बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और फरार हो गए। बीजेपी नेता को आनंद फानन में हापुड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उनकी इलाज के दौरान ही मौत हो गई। वही दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद आला अधिकारी भारी पुलिस फोर्स के साथ अस्पताल पहुंचे और परिजनों से घटना की जानकारी लेकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अपनी अग्रिम जांच शुरू कर दी। थाना धोलान क्षेत्र में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या हुई है, क्या है पूरा मामला?
राकेश शर्मा जी हैं जो जनता इंटर कॉलेज में एम्प्लॉई हैं। आज सुबह जा रहे थे तो समाना चौकी के पास में जो अज्ञात लोगों से इनका विवाद हुआ, जिन्होंने इन्हें गोली मार दी। इन्हें यहाँ देवनदी हॉस्पिटल लाया गया, यहाँ पर उन्हें घोषित कर दिया गया है। मौके पर भी कहते थे वहाँ के दोस्त पहुँचे हैं, हम लोग यहाँ हॉस्पिटल में लगे हैं और उसका हम लोग पता लगा रहे हैं कि किस कारण से ये घटना हुई है। क्या नाम आपका? भाजपा नेता को गोली मारी है, क्या लगते थे आपके, क्या मामला पूरा? अच्छा, फिर क्या हुआ? जा रहे स्कूल रास्ते में समान चौकी छोड़ा और सपना चौकी के बीच में सामने से गोली मारी। कुछ पता लगा किसने गोली मारी थी? कैसे तो कैसी हालत है इनकी? खत्म हो गए। तो भाजपा नेता थे ये? भाजपा में कोई पता? भाजपा में नेता है, मंडल अध्यक्ष की गई, मंडल मंत्री।